गाइस, अभी हम लोग आए हुए हैं फुटबॉल ग्राउंड रेणुकूट। जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस ग्राउंड को। और कुछ स्पेशल पर्सन भी आए हमारे साथ, पापा जी साथ में आए हुए हैं, इनको इंट्रोड्यूस कराइए। प्रधान विंग, ये हैं हमारे पिताजी। और ये काफी मतलब यहाँ पे अप्रोक्स 26 ईयर हो गया इनको यहाँ पे जॉब करते हुए हिंडाल्को इंडस्ट्री में। और अभी इनसे भी बात करेंगे कि स्टार्टिंग में इन्होंने यहाँ पे जब यहाँ पे आए थे तो कैसा फुटबॉल ग्राउंड था और अब कैसा है, क्या चेंजमेंट आया है, ये सारी चीजें बताएंगे। पापा जी, ये बताइए कि इससे पहले क्या फुटबॉल ग्राउंड ऐसा ही था जब आपने ज्वाइनिंग किया था? नहीं था। लाइटों जितना नहीं था, इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं, इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं थी। मतलब ये सारी मतलब एरिया उतना तो था ही ना? एरिया उतना ही था, लेकिन अब थोड़ा सा इतना ज्यादा, थोड़ा नहीं मैं बहुत ज्यादा कहूंगा, एकदम स्टेडियम की लुक में बना दिया हिंडाल्को इंडस्ट्री। मैं हिंडाल्को इंडस्ट्री को थैंक्स बोलता हूँ, काफी अच्छा इसमें चेंजमेंट देखने को मिला। इसमें है कि इसमें क्या क्या है, देखिए फुटबॉल वगैरह कर ही सकते हैं, बास्केटबॉल, इसके अलावा जो इंडोर गेम्स होते हैं टेबल टेनिस, फुटबॉल, टेबल टेनिस, कैरम, चेस। और अच्छा ये बताइए, हैंडबॉल वगैरह आप कर सकते हैं, कोई भी आ सकता है यहाँ पे? कोई भी आ सकता है, काफी अच्छा लग रहा है। और इसमें इंडोर गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं, इसमें वो भी होता है ना, टूर्नामेंट वगैरह होता है, उसमें भी भाग ले सकते हैं। और लाइब्रेरी भी है, कुछ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में सबको एंट्री कर सकता है। लेकिन बुक जो ले जाएगा, जो पर वहाँ का एम्प्लॉई होगा, एम्प्लॉई यहाँ पे हिंडाल्को एम्प्लॉई के लिए, खासकर हिंडाल्को एम्प्लॉई के लिए यहाँ पे प्रूफ चाहिए। हाँ, प्रूफ लेके आना पड़ेगा और आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी इंडोर वाले गेम्स के लिए। आउटडोर में तो, आउटडोर में भी जैसे फुटबॉल और क्रिकेट के लिए बैट वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप यहाँ के रहने वाले और कंपनी में काम करने वाले हैं वगैरह। अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, अभी समय बहुत अच्छा चेंज हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी कुछ सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए। रेणुकूट के हिंडाल्को ग्राउंड या कह लीजिए फुटबॉल ग्राउंड में हम लोग अभी अवेलेबल हैं, तो थोड़े सिनेमेटिक शॉट्स को एंजॉय कीजिए। ये है फुटबॉल ग्राउंड हमारा, ये देख सकते हैं आप, चारों ओर काफी बंदे खेल रहे हैं यहाँ पे इवनिंग टाइम में। देखिए वो एक काफी एजेड लग रहे हैं, लेकिन वो देखो अभी भी खेल रहे हैं, उस समय काफी अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ, ये पूरा हिंडाल्को इंडस्ट्री ने बनाया हुआ है, ये सारा सिस्टम हिंडाल्को इंडस्ट्री का है। वेंडिंग मशीन है यहाँ पे, ये देखिए वेंडिंग मशीन है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट आप लेना हो, आपको प्राइस सारी चीज़ लिखा हुआ है, आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के जैसे वो प्रोडक्ट आपको यहाँ से निकल जाएगा। ये फुटबॉल ग्राउंड में लगा हुआ है सर, और आपको अंदर दिखाता हूँ क्या सिस्टम है, ये सिस्टम बना रखा है यहाँ पे। आप लोग कैरम खेल रहे हो, कैरम खेल सकते हो, पूरा फ्री है एम्प्लॉइज के लिए। देख सकते हैं आप टेबल टेनिस खेल रहे हैं यहाँ पे, टेबल टेनिस। टीम बनाकर खेली जाती है वॉलीबॉल। यह प्रकृति चिकित्सा एवं शिशु गृह से क्या होता है यहाँ पे ऐसा है कि जो भी प्राकृतिक चिकित्सा है वो यहाँ पे होती है, जैसे यूको प्रेशर, इससे रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती हैं, स्टीम लेके फैट को रिड्यूस करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यवस्था बना रखा है हिंडाल्को इंडस्ट्री ने, देख सकते हो मैं एकदम फुटबॉल ग्राउंड के फ्रंट पे हूँ। यहाँ पे समय समय पर एक्टिविटी कराई जाती है बच्चों की, और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सारे पेरेंट्स जो हैं बाहर हैं,
और अपने बच्चों का देख रहे हैं परफॉर्मेंस की कैसा खेल रहे हैं। ABPS की जो है आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और खेल रहे हैं। टूर्नामेंट चल रहा है इसका चेस का चल रहा है, चेस बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का चेस का टूर्नामेंट चल रहा है इस समय। जो आई हुई है टीमें ये क्या मतलब ये मतलब हिंडाल्को की हैं, सुने थे बहुत बाहर बाहर की भी जो टीमें आती थी इंडिया स्तर तक चलता था। अच्छा इंडिया स्तर के मतलब बाहर से जितनी मतलब कंपनियां हैं बाहर से आ रही है रेलवे की टीम, बड़ी बड़ी टीमें जो रेलवे और मतलब बाहर की जितनी भी बड़ी स्तर के वर्ल्ड लेवल की जो कंपनियां उसकी टीमें बन के यहाँ पे टूर्नामेंट होता था। इस चक्कर एक एक हफ्ता चलता था, काफी अच्छा लगता था इसे। पुस्तकालय है हिंडाल्को इंडस्ट्री का पुस्तकालय है, इसमें करीब 50,000 प्लस पुस्तकें मिल जाएंगी जो कि यहाँ के हिंडाल्को एम्प्लॉय के सारे फैमिली मेंबर पढ़ सकते हैं, घर ले जा सकते हैं, इतनी फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। फाइनली हमने फुटबॉल ग्राउंड सारी इन्फॉर्मेशन दिया, घुमाया आपको अपने डैडी जी के साथ, डैडी से भी अपने इन्फॉर्मेशन लिया कि पहले कैसा यहाँ पे हिंडाल्को का ग्राउंड था, अब कैसा चेंजमेंट हुआ, और आपको देखने को भी यहाँ पे अच्छी अच्छी एक्टिविटी मिली हिंडाल्को इंडस्ट्री की तरफ से कराई जाती है। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।